कमल झांडा जी के बारे में ये कितनी श्योरिटी है इनको टिकट बीजेपी क्लायत विधानसभा से इनको देगी या फिर किसी और वर्कर को देगी, क्या क्या स्वीकार करते हैं आपको? राजनेता एक ही बात कहते आए हैं कि अब की बार मेरे को मौका दो, मैं चौधर थारे गेट पर लेकर खड़ी करूँ। एक तो नैब सैनी जी, खासकर हमारी विधानसभा बोलो या हमारा जिला बोले, तो इसमें वो हर आदमी से, हर कार्यकर्ता से परिचित है। हर वर्कर नैब सैनी जी को, हर वर्कर को नैब सैनी जी बिल्कुल नज़दीक से जानते हैं। और हम मिले हैं सीएम बनने के बाद 10-15 बार कम से कम मैं मिला हूँ, मतलब उनके अंदर कोई वो है ही नहीं कि वो आज वो सीएम है। भैया आप हरियाणा खबर टीम देख रहे हो, मैं हूँ आपके साथ राहुल अत्री, और कलायत विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि कलायत से मंत्री रह चुकी हैं कमलेश झांडा जी। हालांकि सैनी जी की जो नई गवर्नमेंट बनी उसके अंदर उनका उनको मंत्री पद नहीं दिया गया, लेकिन आज की सिचुएशन में कलायत विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है? राजौंद से मंडल अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, कपिल दीक्षित नाम है, और 25 गांवों को देखते हैं अपने मंडल के अंडर, तो उन्हीं की थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। बीजेपी का माहौल क्या है वहां का, क्या अभी भी लोग बीजेपी को वहां पे पसंद कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं? कपिल जी स्वागत है आपका हरियाणा खबरटीन पे। धन्यवाद भाई साहब, सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या स्थिति है उधर, क्या लग रहा है आपको बीजेपी का? बहुत बढ़िया माहौल बीजेपी का है। कुछ जैसे अभी नैब सैनी जी बने हैं, नैब सैनी जी के बनने के बाद कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। कुछ टाइम पहले थोड़ा सा कुछ कारण रहे जिनके कारण थोड़ा सा वर्करों में, आम पब्लिक के लिए ठीक है लेकिन वर्करों में थोड़ा सा, जो कार्यकर्ता थे बीजेपी कार्यकर्ता थे उनमें थोड़ा सा मायूसी थी, डामाडोल था सिस्टम। लेकिन नैब सैनी जी के बनने के बाद, एक तो नैब सैनी जी खासकर हमारी विधानसभा बोलो या हमारे जिला बोले, तो इसमें वो हर आदमी से, हर कार्यकर्ता से परिचित है। हर वर्कर नैब सैनी जी को, हर वर्कर को नैब सैनी जी बिल्कुल नज़दीक से जानते हैं, और कार्यकर्ता के लिए बड़े उत्साह की बात होती है। जैसे कभी भी बात चलती है तो हरियाणा की राजनीति में कभी भी बात चलती है तो हमेशा राजनेता एक ही बात कहते आए हैं कि अब की बार मेरे को मौका दो, मैं चौधर थारे गेट पर लेकर खड़ी कर दूंगा। तो इस बार हमारे गेट पे चौधर है सीएम साहब, हमारे बहुत ही नाइस आदमी हैं। ऐसे आदमी हैं, आप किसी टाइम जाओ, लोग तो कहते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है, हम मिले हैं सीएम बनने के बाद 10-15 बार कम से कम मैं मिला हूँ सैनी जी से, मतलब उनके अंदर कोई वो है ही नहीं कि वो आज वो सीएम है। खट्टर, वो आज भी खट्टर एक वर्कर के अगर वो करें हम तो खट्टर से तो बढ़िया है। नहीं देखो, मनोहर लाल जी बहुत ही ईमानदार और साफ छवि के बहुत ही बढ़िया नेता है, लेकिन उनका जो जुड़ाव था पब्लिक के साथ, कुछ वर्करों में ना थोड़ा सा डिफरेंस था। कुछ वर्कर हैं जो उनके बिल्कुल मतलब क्लोज नहीं जा सकते थे। नैब सैनी के पास ऐसा सिस्टम है कि हर वर्कर जाके आसानी से मिल सकता है, मिलने का तो है उनसे नैब सैनी जी का, वो दरबार लगता है। मिलने का भी नहीं है, वो काम भी करते हैं, जैसे हम गए हैं कई बार जाते ही काम करें। अगर कलात की बात करें, वो हमारे ऊपर लेवल की बात हो जाता है, हमें जानना है कलात के बारे में जी। मंत्री पद क्यों छीना गया उनसे कमलेश झांडा जी से, क्या क्या चक्कर रहा? देखो ये राजनीतिक बात है, राजनीतिक समीकरण होते हैं, किसी को खुश करना था। 4.5 साल लगभग मंत्री रही हैं कमलेश झांडा जी, तो कुछ और भी जो नेता थे जिनको थोड़ा सा होप, चुनाव के टाइम में थोड़ा सा होता है ना भाई, थोड़ा सा थोड़ा सा और जो मंत्री थे विधायक थे उनको भी थोड़ा सा हाईलाइट करना था। कुछ गांवों में कमलेश झांडा जी को लेकर नाराजगी है, वो नहीं पता वो किस तरह की नाराजगी है, और रोष प्रकट भी किया था कई गांवों ने, जैसे कोई एक सड़क की बात को लेकर या कुछ और मामले थे, मुद्दे थे। कमलेश झांडा जी के बारे में ये कितनी श्योरिटी है इनको टिकट बीजेपी क्लायत विधानसभा से इनको देगी या फिर किसी और वर्कर को देगी, क्या क्या समीकरण लग रहे हैं आपको? देखो जी, सबसे पहले तो ये बीजेपी है, इसमें मंत्री विधायक और आम वर्कर सब पार्टी सबके लिए एक सार होती है। ये बीजेपी है, किसी को भी टिकट दे सकती है। रही बात मंत्री जी की, मंत्री जी बहुत बढ़िया मंत्री जी ने काम किया। देखो अभी ये पब्लिक है, अभी मंत्री नहीं है वो। देखो जी वो तो एक ना वो लग जाता है, वो तो बोले जाते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत अच्छा, इतना
शालीन स्वभाव ईमानदार महिला है और उन्होंने कभी भी मतलब विधानसभा में कभी भी कोई भी आदमी गया चाहे वो नेगेटिव गया पॉजिटिव गया उन्होंने कभी किसी को नाराज नहीं किया। बहुत अच्छा स्वभाव मंत्री जी का है। रही बात ये तो पब्लिक है जी, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं अभी चाहे कोई आदमी कितना भी कर ले तो देखो हर आदमी को तो खुश कोई नहीं कर सकता, लेकिन वैसे मंत्री जी का बहुत अच्छा काम मंत्री जी ने किया है। और अगर टिकट मिलती है देखो टिकट मिलने से पहले तो हम नहीं कह सकते और भाई भी बहुत दौड़ में है टिकट के लिए, लेकिन मंत्री जी को भी मिलती है तो वो भी अच्छे हैं। और अगर मान लो पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अगर देते हैं तो बीजेपी का इस टाइम विधानसभा क्लायत में बहुत अच्छा माहौल। टक्कर किसके साथ कांग्रेस में क्या लग रहा है? टक्कर तो जी तब होती है जब मान लो कोई फील्ड में तो कोई है ही नहीं नए नए चेहरे हैं वो आए हैं, अब किसका क्या रहेगा कोई इतना कह नहीं सकते, लेकिन कंटिन्यू के हिसाब से कोई भी ऐसा चेहरा फिलहाल अपोजिशन का नहीं है मुझे कह दे कि हाँ अगर इनको मिलती है तो वो है। अगर कमलेश राणा जी को टिकट मिलती है क्लायत विधानसभा से बीजेपी की जी, तो जीतने के क्या चांस रहे, क्या समीकरण बन सकते हैं, जातिगत को लेके देखें या फिर किसी और समीकरण से देखें, क्या समीकरण है वहाँ पे? वैसे तो जी छत्तीस बरादरी बीजेपी के साथ है, लेकिन कुछ थोड़ा सा सिस्टम होता है जैसे ओबीसी वोट बैंक है वो नायब सैनी जी के आने से साथ में, और वैसे भी बीजेपी का वोट बैंक ओबीसी का वोट बैंक हमेशा बीजेपी को ही गया है और नायब सैनी जी के आने के बाद तो एक आम वर्कर में ही जब इतना उत्साह है तो स्वाभाविक सी बात है समाज में तो होता ही है। तो और समीकरण क्या क्या, मैं यही पूछ रहा था। समीकरण तो लगभग 28,000 ब्राह्मण वोट है, 1,00,000 के लगभग जाट वोट है जिसमें मंत्री जी का जाट वोट में अपने हिस्से की वोट बैंक मंत्री जी को मिलेगा जो हिस्से का है। ब्राह्मण वोट है, राजपूत समाज है हमारा लगभग 12,000 वोट है, अग्रवाल समाज है 5,000 वोट है, ओबीसी समाज की 45,000 के लगभग वोट है और एससी समाज की है 35 के लगभग 35,000। इनमें से कितना कितना हिस्सा बीजेपी की तरफ जा सकता है, ढांडा की तरफ जा सकता है, कमलेश ढांडा की तरफ जा सकता है अगर टिकट मिली तो? देखो ऐसा है, देखो ये तो एक्चुअली हम मतलब पूरे फिगर तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि ओबीसी समाज, ब्राह्मण समाज, राजपूत समाज, अग्रवाल समाज, इनका सबसे ज्यादा एससी समाज, इनका सबसे ज्यादा जो वोट बैंक है वो बीजेपी का है। और अगर मंत्री जी को टिकट मिलती है तो वैसे कह देते हैं लोग अभी जाट समाज बीजेपी से नाराज है, ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव में जाट समाज ने हमारे साथ बिल्कुल, देखो वो एक धारणा बना लेते हैं अभी ये है वो है, लेकिन जाट समाज ने बहुत अच्छे वोट बैंक हमें दिया है। और जो लोकसभा चुनाव था, ये लोकसभा चुनाव था, उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे जब मंत्री जी बनी थी कमलेश डांडा जी, उस टाइम मंत्री जी को 53,000 वोट विधानसभा क्लाच से मिले थे। और अब की बार थोड़ा माहौल थोड़ा सा दूसरा था, किसान आंदोलन की वजह से मान लो या कुछ बीजेपी एंटी बीजेपी की वजह से मान लो, जो भी अब की बार जो लोकसभा चुनाव में रहा है उस चुनाव के अगर हम देखें तो इसमें भी 50,000 मंत्री जी को मतलब बीजेपी को वोट मिली है, यानी कि 3,000 वोटों का ही डिफरेंस विधानसभा चुनाव 19 और लोकसभा चुनाव 24 में सिर्फ 3,000 वोटों का डिफरेंस रहा है। 3,000 कम मिले लोकसभा में, 3,000 कम मिली है सिर्फ, जबकि मंत्री जी 8,850 लगभग वोटों से मंत्री जी जीतती थी। और रही बात पिछली बार तो चुकोनिया मुकाबला था विधानसभा चुनाव में, चुकोनिया मुकाबला था, अब की बार तो आमने सामने का मुकाबला था, दो ही कैंडिडेट थे। अब की बार भी दो पक्ष ही लग रहा है मामला? नहीं, दो पक्ष नहीं है अब की बार, देखो रामपाल माथुरा जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं इनेलो के और एक अच्छे राजनेता हैं, बढ़िया है, और उनका जो वोट बैंक है ठीक ठाक वोट बैंक है उनका, तो ऐसा नहीं है कि मुकाबला कांग्रेस लग रहा है मेरे ख्याल से। मुकाबला तो देखो तिकोनिया ही होगा, तिकोनिया मुकाबला होगा कांग्रेस बीजेपी और इनेलो। हाँ, जेजेपी का देखो सही फिगर तो हम अगर देखेंगे तो वो फिगर हम टिकट मिलने के बाद ही सही समीकरण बनते हैं, लेकिन इनेलो से रामपाल माजरा जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ेंगे, क्लायत उनके पुरानी विधानसभा है, इधर से कोई भी आता है कांग्रेस से, बीजेपी से मंत्री जी आती हैं या कोई और आता है, तो मुकाबला तो तिकोनिया रहेगा और जेजेपी का भी कौन तो देखते हैं जैसे भी टिकट फाइनल होती है। अभी बार एक और है मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी भी सक्रिय होकर चुनाव लड़ेगी यहाँ से, क्लायत से।
तो देखने वाली बात रहेगी दोस्तों, क्या मंत्री जी को टिकट मिल पाती है, कमलेश राणा जी को क्या टिकट मिल पाती है या नहीं। बाकी और सारे समीकरण भी तभी काम करेंगे जब टिकट मिलती है। तो देखते रहिए आप हरियाणा खबर बुलेटिन, आप देख रहे थे हरियाणा खबर बुलेटिन, मैं आप सत्राहुल अत्री, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।